Champions. लेकिन जब दानिया को थप्पड़ पड़ा उसके बाद जो हुआ वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बेटा तुम मेरे शो के बाद निकल जाओ बेटा। वो डियर क्यों निकल जाओ, तुम कौन हो तो निकालने वाले? क्यों बोल रही हो? अपना मुंह बंद रखो। अबे चुप कर, यही लंबा डाल दूंगी दो मिनट में, समझ रहे? ये मत बोल, चल काम कर, काट दूंगा। काट आ काट। अभी तो हम लोग सोए भी नहीं थे कि वकार भाई ने तो भाई पहले ही बोल दिया था सुबह डेयर पे जाना। मैं तो समझी थी कि भाई हम लोग दो दिन आराम से बोला उसमें रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। अब है भाई वकार भाई ने तो डेयर पे ही बुला लिया। अब हम लोग डेयर पे जब हम अपनी जगह पे गए लोकेशन में, जब गए वकार भाई तो भाई गुस्से में। मैंने दिल में सोचा यार ये बंदा हंसता क्यों नहीं है, मुझे इस बंदे को भी हंसाना है। तो कैसी गुजरी रात आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी सर। सोया नहीं कोई भी? नहीं सर, बगैर नींद के सर। नींद के बगैर? दर्द से नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल। किसने जाना है छोड़कर? क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? घर जाओ, कोई काम धंधा करो, जॉब शॉप करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, कोई मॉडलिंग करो जाके। यहाँ कहाँ ख्वार हो गए, काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, उनको आने दो और आप लोग चले जाओ। हमें आना है यहाँ तक आए सर। चलो फिर नेक्स्ट अजियत के लिए तैयार हो जाओ। तैयार? यस तैयार। आप लोग हैं 15 जी। नाश्ता किया अभी? नहीं नहीं सर। एक कोई कंटेस्टेंट होगा जिसको हम लोग बड़ा VIP नाश्ता कराने वाले हैं। बाकी लोगों को अपना नाश्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके दैट्स कूल। तो जो अब मैं आपको डेयर बताऊंगा वो कर लिया तो बस आसान है, कोई इतना रॉकेट साइंस का चक्कर नहीं करना। ये आपने, ये आपको नजर आ रहा है घास से, यहाँ से यहाँ से वो वहां तक भागना है। कहाँ तक? कहाँ तक? वो देखे बीच में क्या है, वो एक गुंबद है, वो बाइक, बाइक से मंदिर बना हुआ है। सर फुटपाथ से भागना है या सेंटर? कहीं से भी भागना है, वहाँ पहुँचना है। ओके। वहाँ जो पहुँच जाएगा पहले उसके लिए नाश्ता, और जो नेक्स्ट चैलेंज है उसमें वो कॉम्पीट नहीं करेगा। ओके बड़ा आसान। चले लोकेशन पे। जब डेयर की बारी है तो वकार भाई ने बोला कि रेस होगी। मुझे ऐसा लगा भाई मुझे तो इन लोगों ने पहले से निकालने की ही प्लानिंग कर ली है। अंदर जाने, अंदर जहाँ पर बेंच बनी हुई है बेंच पे बैठना है। ओके। जो पहले बैठेगा वो जीतेगा। क्लियर? क्लियर। तैयार हैं आप लोग? यस। यस। रेडी? यस सर। एंड भाई ये सही मजाक लगा के रखा हुआ है, मतलब कि क्या अगर हम हेल्दी हैं इसका मतलब ये कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्या? बिलाल और मुझे तो समझा हुआ था कि हम लोग तो यहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ जो ना एक दूसरे की शक्लें देखने आए हुए। भाई हम लोग खड़े हुए थे, वकार भाई ने बोला भाई भागना है, हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे। अब वकार भाई ने तो भाई ब्रेकिंग न्यूज लगा दी। अरे इतना बच्चों वाला चैलेंज। अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। आएंगे भागेंगे आराम से जीत जाएंगे, बाद में बिलाल बोलेगा, तूबा बोलेगी, शायद कश्यप भी बोले यार ये क्या आपने दे दिया चैलेंज भागने का, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं और इनकी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ जाए। ब्रेकिंग न्यूज तो फिर आप सबको पता है, वो आए तो फिर सबका दिमाग घूम गया, किसी को समझ नहीं आया करना क्या है। तो ये है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। आंखों में बंधेगी पट्टियां, नजर कुछ आएगा नहीं, और उसके बाद आपको कहेंगे घूमो घूमो भाई, अपनी जगह पे गोल गोल घूमना है और आंखों पे पट्टी और भागना है, फिर वहां तक पहुंच के बैठना है। इसका मतलब ये हुआ चाहे आप बिलाल हो चाहे कशफ हो, किसी के वेट का प्रॉब्लम हो, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम हो, सब बैलेंस हो गया, सबके लिए बराबर हो जाएगा ना।
अब सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है कि कितना आपको याद रहता है कि वहां कैसे पहुंचना है। एक दफा जहन में बिठा ले वहां देखकर कहां पहुंचना है। जब क्रू वाले आए आंखों पर पट्टियां बांधने, तो वो इतनी टाइट पट्टियां बांध रहे थे, इतनी टाइट पट्टियां बांध रहे थे। एक तो मेरा नाक का मसला, उनको मैंने कहा कि यार थोड़ा सा तो पट्टियां जो है आहिस्ता बांधो, मेरा नाक का प्रॉब्लम है, नाक का कोई रहमो करम नहीं भाई। भाई आंखों पे पट्टी और यूं जोर से पट्टी, मेरी आंखें निकलने वाली थी। मैंने कहा भाई थोड़ा रहम कर ले, थोड़ा मुझे देखना नहीं है, लेकिन इतना भी जोर मत लगा आंखों पे। सीधा सीधा सामने, सीधा सीधा सामने घूमना। बात सुनो, कोई पूछ ले घूमना कैसे है। हमारी तो डायरेक्शन टेढ़ी है ना, पहले गो पे जाना है, दूसरे गो पे, दूसरे गो पे जाना है। तेज मत भागना, चोट लगेगी, यहाँ कुछ और भी है यार। जब मैं बोलूंगा गो तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं आपने घूमना है आहिस्ता आहिस्ता। सही है, जो नहीं घूमेगा वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। घूमे गोल गोल, जब मैं घूमना शुरू हुई तो मुझे तो लगा भाई मेरी दुनिया ही घूम गई। वकार ने कहा पहले इस तरफ गोल घूमो, फिर इस तरफ गोल घूमो, मतलब बंदा कैसे गोल घूमेगा इस तरफ और उस तरफ भी, और फिर कैसे वो स्ट्रेट जाएगा। दूसरी तरफ घूमे, मैं गोल गोल घूम रही हूँ। एक गार्डन एरिया है जहाँ का एरिया इतना बड़ा है कि हमें नहीं पता हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। एंड गो भागे। उप्स, कौन है भाई? कौन टकराए? तुम यहाँ किधर आ गए भाई? मेरे माइंड में उस टाइम यही था कि मैं गिरूँ ना और मेरे फेस पे ना लग जाए, क्योंकि मेरा फेस पे ही सारा काम है और मेरा पूरा 6-7 महीने के लिए मेरी बैंड बच जानी। मैं नहीं जा सकती आगे भाई। यार अपना टास्क पूरे करने के चक्कर में मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में चलती गई और चलते चलते गेस व्हाट, आई बम्प माय फेस इनटू द पिलर। मुझे ऐसा लगा कि बिलाल मेरे कपड़े पकड़े खींच रहा है, पर जब मैंने आवाज सुनी तो वो कश्यप है। मैंने एक जगह हाथ रखा और सोचा भैया भैया आप तो जीत गई, बस जल्दी से वकार स्टॉप बोल दे और विनर अनाउंस कर दे। इतने में बलाज की आवाज आई, मैंने सोचा मैं और बलाज तो जीत गए भाई। वाह, मैं सीधा सीधा चले गया, मुझे लगा पिलर है। मैं कहा यार पिलर है, हाथ लगाते लगाते आगे जा रहा हूँ, कहा यार घूमूँ थोड़ा 360 पे घूमूँ तो सही। वो ले भाई आगे जाते 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 यार घूम क्यों नहीं रहा भाई, 360 पे वो घूमा ही नहीं। चाहे डेयर गया भाड़ में, मुझे एक बात का बड़ा मजा आ रहा था कि आंखों में पट्टी है सबके और कहीं ना कहीं धक्का लग जाएगा, लेकिन अल्लाह की कसम बस एक दुआ थी कि रुबाशा के साथ ना हो, क्योंकि रुबाशा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। बस धक्का लगे तो बस मारिया के साथ या राबेल के साथ, भाई दिल में बसती हैं वो। ओ यार, इज दैट समथिंग? ये क्या है? I'm somewhere. तो तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? आगे कुछ है? First time जब मेरी nose pillar पे जाके hit हुई तो God वो तो बहुत बुरा था, लेकिन I didn't give up. मैंने कहा चलो वापस से करते हैं, task तो complete करना ही है। तो straight जाते हुए वापस से जब मेरी nose लगी ना, God that was so bad कि वो बिल्कुल Tom and Jerry वाली feeling आ रही थी कि birds आपके सर के ऊपर से घूम रही होती हैं।
आई वॉज 100% श्योर कि मेरी नोज का तो फ्रैक्चर हो चुका है। यार कहाँ पे कोई बैठा है या नहीं बैठा अभी तक? बेटा मैं अभी चल रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर चल रही हूँ। Is that something? हम लोग गलत जा रहे हैं। हम लोग गलत जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? शेर भी कह रहे बेटे। यार हम लोग अलग हैं सबसे। Is there someone else? तुम पहुंच गए? यार अबे मेरे को नहीं मारो जूते। तुम आंखों पट्टी बांधी है तुमने? जानू हाँ ना। इधर आ जा भाई। कौन है? इधर बैठ जा। सारे वापस आ जाओ। अबे वहां बैठने थे, हम कहां चले गए? यार ये कौन कौन वहां पहुंचा? मुझे लगा शायद मैं पहुंच गई इसलिए मैं फिसल गई हूं। भाई ये खोल दे। इसे वकार भाई ने बोला कि स्टॉप, तो मैंने सोचा कि मैं पहुंच चुकी हूं सही जगह पहुंचा हूं, लेकिन सीट मुझे नहीं मिल रही, लेकिन मैं पहुंच गया हूं सही जगह। चोट किसको लगी है? मारिया को लगी है? नहीं ठीक है। और मुझे लगी है, मैं तो गिर गई थी वहां पर। किसको लगता है कि वो VIP नाश्ते का कॉन्टेस्ट जीत गए? और सर मुझे लगता है मैंने पाइप को पकड़ लिया था, लेकिन अब बैठने का पता नहीं, लेकिन मैं पहुंच गया था मुझे इतना लगता है। अब पता नहीं थर्ड पे हो या सेकंड पे हो। अब मुझे बताना है आप में से कौन सा कंटेस्टेंट है जो इस डेयर को जीत गया। तो तालियां बजाना शुरू करें सिद्रा के लिए। कहाँ जा रही? खड़ी हो रही हूँ। पीछे कौन फर्स्ट आया होगा? Maybe this guy. हमाद फर्स्ट आए, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। थैंक यू एवरीवन। जब मेरा नाम आया आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट कि मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आई वॉन द टास्क। और फिर पता लगा बाजी जीत गई हैं, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि तो बाजी ने खैर चिटिंग थी, लेकिन ये बाजी का समझ नहीं आता। लड़कियों के सामने ये मर्द बन जाता, लड़कों के सामने ये बाजी बन जाते। ये भी सही बीच में चल रहे हैं भाई। बाकी लोगों को अपना नाश्ता कमाना पड़ेगा। अगर आपको चोटें लगती जा रही हैं, प्रॉब्लम होती जा रही है, आप जब चाहें आप बैकआउट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि जब तक आप जीतेंगे नहीं, आपको शो जहर लगने लग जाएगा। सही बात है। हासिल भी कुछ नहीं हो रहा, हारते भी जा रहे हैं। जाना है बिलाल? नहीं। आप कहाँ चले गए थे? जब मैंने अपनी पट्टी खोली तो मैंने देखा एक छोटा सा दीवार का पोर्शन था और मैं वहाँ हाथ लगाए खड़ा हुआ था। जी हमाद, कैसे जीत गए कॉन्टेस्ट? मैं बहुत कैलकुलेटेड था। रेस स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कैलकुलेशन कर ली थी मैंने कैसे जाना है, बट जैसे ही स्टार्ट हुई तो मुझे ऐसे लगा दो तीन बंदे मेरे आगे भागे, तो आई थॉट दैट मैं तो हार चुका हूँ। बट मैंने कहा स्टिल आई एम गोना ट्राई, क्योंकि मुझे पीछे से दो तीन आवाज़ें आ रही थी कि मैं तो नहीं भाग रही या मैं तो नहीं कर रहा। मैंने कहा यार मैं भी गिव अप कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं हो रहा। व्हेन आई रीच देयर वहाँ मैं गिरा, फिर मैंने हाथ हाथ लगाया, मैंने कहा यार अब आई रीच। फिर मैं उधर ढूंढता रहा, कुर्सी मिली बैठा, फिर मैंने चीख चीख के पूछा यहाँ कोई है, फिर मुझे जब कोई वो नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद सिद्रा की आवाज़ आई, फिर राबेल वगैरह की आवाज़ आई। जीता कौन? बाजा। अब भाई मैंने बोला वाह, जीतने के बाद तो भाई इतना खुश, मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया। मैंने बोला बेटा अभी तो रुक, आगे तो और भी टास्क है, फिर तुझे बताती हूँ मैं। आप चाहें तो अपना नाश्ता किसी और को दे सकते हैं। दे दो, बहुत सारे लोग जख्मी हैं, परेशान हैं। You have earned that. मैं गिरी हूँ, बहुत तोड़ थोड़ा सा दे देना। थोड़ा थोड़ा दे देना, दो दो आने वाले। हमारे भी चाय दे देना, थोड़ा सा तो दोगे हमारे भी चाय दे भाई सबको।
सारे मिलके खा लेंगे। नहीं थोड़ा सा नहीं, मुझे तो पूरा दे दो। मत मुझे तीन वाले बाकी सबको दो दो। आई वांट टू शेयर, मतलब ब्रेकफास्ट अगर मुझे सबके साथ भी करना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम यहाँ होगे नहीं ना, तुम तो एक अलग जगह पे ब्रेकफास्ट करोगे। I'm extremely sorry everyone. I literally want to share. पॉकेट में रख के ले आना। But situation ऐसी है, I cannot. चाय लेकर आ जाना बैग करके। आप यहाँ जाए। और वो लूसी अहमद जब जीता टास्क तो वकार भाई की तरफ नहीं मारिया की तरफ देख रहा है, और देख ऐसे रहा है जैसे नाश्ते में से मारिया मिलने वाली है। अबे चल, मैंने कहा तुझे मारिया मिलेगी, तेरे इतने अच्छे नसीब हुए नहीं है बेटा, अब जा जा के नाश्ता खा। बाकी लोग नेक्स्ट चैलेंज सुन ले, कितने लोग हैं आप लोग? 14 साथ साथ की टीम बना ले। मैं आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, सोच समझ के 7 लोगों की टीम बना ले। 7 एक तरफ, 7 एक जी, बात कर सकते हैं आप लोग। दानिया यार उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, बिलाल को पकड़ के लेके आ, बिलाल को। आबिर आज तुम आ जाओ, देखा तो एक और टीम बना रहे हो, टीम तो बराबर की बनाई। हां एक तुम चले जाओ, मैं तो बालाज के साथ ही जाऊंगा। ठीक है तो यहीं बालाज रहो। बालाज अभी जाने रिजवान ना मेरे भाई, या तुम्हें जाना नहीं तो फिर बैठे रहो यहीं पे, बस सेफ ना तुम। मैंने बालाज के साथ इसलिए ग्रुप बनाया, मुझे बंदा ठीक लग रहा था तो मैंने, लेकिन इस शो की अम्मी जान और मेरी भी जान मारिया जान, ओ नहीं 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 मारिया नहीं, आई एम सॉरी राबेल जान, वो बना चुकी थी अपना ग्रुप। भाई अपना तो बना लिया लेकिन दूसरों का भी वही बना रही है, और सारे लड़के और लड़कियां जी 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 हाँ हाँ करते हुए सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, भाई ये क्यों है ये क्यों नहीं है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता उस बंदी के सामने मेरे सिवाय। नहीं ये टीम का नहीं है, ये मैं कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहा हूं। कॉमन सेंस यहां पे इक्वालिटी के लिए नहीं आया, आपने स्मार्टनेस दिखानी है। चलिए ठीक है ठीक है, यहां पर माना बनो सब। भाई जा रहे तू जा, या हमें भिखारी चाहिए, हमें अकेले जाने हैं। बलाज आपको इनके साथ जाना है, टीम में तो आप चले जाएं और वहां से भी 2 लड़कियों को भेज दें। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना ही मुख्तलिफ ग्रुप बनाऊंगा लेकिन ये लोग आ गए, मैंने कहा चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आमिर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वहाँ से 2 लड़कियाँ और आ गईं, उसमें अबीहा थी और मारिया थी, उन्होंने कहा हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन आमिर ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है, अगर तुम दोनों ने जाना है तो चले जाओ, वहाँ से 2 लड़कियाँ बुला लेंगे। हम चार हैं, तुम दो भी दिखा दो। वैसे आप लोगों ने ना खूबसूरत खदड़े बहुत ही कम देखे होंगे, अब मैं बताती हूँ आपको कि आप खूबसूरत खदड़ा कहाँ देख सकते हैं। राबेल को देखा है, बहुत तो समझती है मैं बहुत खूबसूरत, हाँ उनके उस पर तो बोटॉक्स हुआ हुआ है, इंजेक्शन उसने हर जगह लगवा के रखे हुए, आँखों में वो हर वक्त लेंसेज लगवाती है, गोरा होने से वो क्या समझती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, एक नंबर की तो वो खदड़ी लग रही होती है। कोई एक और चाहिए, रुमेशा, रुमेशा को बुला लो, रुमेशा को। हम लोग 7 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हम दोनों बस, कितने हो गए ये हम लोग पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, चार। अब जब ग्रुप बनाने की बारी आई तो ये तो सारे बच्चे आए हैं, डिसीजन टेकिंग पावर ही नहीं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे नमूनों की तरह। फाइनली मैंने सोचा कि भाई अब तो 2 ग्रुप्स बनेंगे तो जो अच्छे कंटेस्टेंट हैं, इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जो हर चीज़ पे कहते हैं हम कर लेंगे और कर भी सकते हैं, मैंने उन सबको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ करना शुरू किया। बलाज मुझे पता है वो भी कर लेता है, रेहान, दानिया वो भी टॉम बॉय वो भी कर लेती है, या बेचारे का मसला है लेकिन वो भी कर लेता है, हमाद, आमिर एक वैसे ही आ गया क्योंकि आमिर और बिलाज की बड़ी जोड़ी चल रही थी तो बिलाज ने उसको भी बुला लिया। बाकी बिलाल को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो थोड़ा अनोइंग टाइप है। राबेल को सब अपना गुरु मानते हैं, मैं समझता हूँ माँ गुरु क्या मतलब समझ जाए आप, तो मैंने राबेल से बात की कि मुझे अपने ग्रुप में शामिल करो, लेकिन राबेल तो भाई फुल अपने टशन में, उसने तो मुझे ग्रुप में लेना नहीं था। जब ग्रुप बनाने की बारी आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो कोई है ऐसा नहीं जिसके साथ मैं ग्रुप बना सकूँ, लेकिन ग्रुप बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने भी बस रेंडमली ऐसे किसी को ग्रुप बना दिया। अच्छा मुझसे तो ग्रुप का किसी ने पूछा ही नहीं था, इन लोगों ने खुद ही बोल दिया कश्यप आ जाओ हमारे ग्रुप में, हल्का ले रहे थे हम लोगों को बहुत ना, अब आमिर साहब जो है आशिकियों में, यार मैं तुम लोग के ग्रुप में आ जाऊँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में कौन थी, हमारे ग्रुप में मारिया थी। ग्रुप मेरा उसके साथ बन गया जो मुझे सबसे ज़्यादा जहर तरीन लगती और लगता है, मतलब सिदरा और बिलाल, और मुझे उन दोनों के साथ जाना पड़ा। खैर रब ने बना दी जोड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, मैं भी चली गई बहते हुए पानी की तरह। तो हम सारे साथ खड़े हो गए, लेकिन उनकी टीम तो इतनी बैलेंस लग रही थी और मेरी टीम में इतनी लड़कियाँ, ये तो कंधे पर रुमाल डालने वाली बात है। बड़ी अनयूजुअल टीम लग रही है ये,
सारी लड़कियां और बिलाल अकेला। सर ये इज नॉट माय चॉइस, इन लोगों ने खुद ही कर लिया डिसाइड। और जो क्या चॉइस है, क्या चाहते हो जिंदगी में? मतलब यही कि टीम इन लोगों ने एडवांटेज नहीं लिया, आई थिंक बेवकूफ़ी की है और खुद ने टीम बना ली। सारे बॉयज हैं और यहाँ सारी लड़कियां, तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात की। खुद लोगों ने कहा इनको बनानी है, आपस में बनानी है, आपस में सबने खुद ही बनाई है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। सर मैंने राबेल को बोला था कि मुझे अपनी टीम में ले ले, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया, तो हमारे बंदे पूरे हो गए। क्यों राबेल क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेफिनेटली मैं जो सही स्ट्रॉन्ग टफ कंटेस्टेंट है उनको अपनी टीम में रखूंगी। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगते बाकी? ये थोड़ा अननोइंग है। अच्छा, कल जो टास्क जीता है वो अननोन नहीं जीता है। चले अननोइंग नहीं जीता है, चलो अननोइंग दिखाएगा फिर आगे चल के। आपको आपका जो सोच है ना वो इंशाल्लाह आपको रॉन्ग साबित कर देख लें। अननोइंग क्या किया ऐसा? सर मुझको, सर मैं तो रात को चुपचाप अपने बेड पे सो रहा था, मैंने तो इनसे ज़्यादा बात भी नहीं की और बहुत कम कम बोलता हूँ मैं सबके साथ, पता है। मैं अपने आप में ज़्यादा फील करता हूँ कि अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, बातें बातें होती हैं, हंसी मजाक होती है रियान से, आमिर सियाल से और बाकी जो यहाँ पे कश्यप वगैरह हैं उनसे बात होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी एक दिन था तो चले ठीक है। ये टीम्स रखनी है, कौन आप में से एक कैप्टन कौन है, सोच समझ के कैप्टन का नाम लेना है और आप लोग भी डिसाइड कर लें कैप्टन कौन है। रेहान को बना देते हैं, बलाज तुम या रेहान में से। लेकिन वोटिंग कराते हैं ज्यादा इजी रहेगा। वन वन एक एक नाम दो। नाम सिद्रा। ओके यू यू मैं खुद। ओके मारिया शी। लेकिन देखो कैप्टन जो भी हो तो ये नहीं कि कैप्टनसी झाड़ेगा। भाई जब कैप्टन बनाने की बात आई तो मैंने कहा कि मर्द खड़ा है ना आपके साथ तो मर्द ही काम आएगा, लेकिन उनके जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। आपकी टीम में से कैप्टन कौन है? बलाज। बलाज सब एग्री करते हैं यानी इसकी गलती तो आप भी बाहर। सही है डन। आपकी तरफ कौन है कैप्टन? ये था कि हम जो है रुबाइशा को बनाएंगे कैप्टन, क्योंकि रुबाइशा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म्स करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो हमने बोला भाई हम तो जो है ना रुबाइशा को बना देंगे। जैसे ही वकार भाई ने पूछा वैसे ही सिद्रा ने हाथ खड़ा कर दिया। जो कल बेड और एडवांटेजेस थे वो खत्म। ओके आज जो जीतेगा उसको मौका मिल जाएगा दोबारा से बेड। और ये याद रखे हो सकता है आज के चैलेंज के बाद घर में सिर्फ 9 लोग ही रह जाए। चैलेंज नाश्ता आपने पहले करना है। यहाँ से आपको एक लोकेशन पे लेके जाएंगे, वहाँ उतार देंगे। उस लोकेशन पे मसला ये है कि अथॉरिटीज़ भी हमें शूट करने नहीं देती। तो पहली चीज़ तो ये कि अथॉरिटीज़ अगर आएँ तो आपने संभालना है, अगर कैमरा बंद हो गया तो उस टीम की जिम्मेदारी। दूसरा, वहाँ जाने के बाद लोगों को कन्विंस करना है जो खाना खा रहे हैं कि आपको खाना खाने दें। ठीक है, जो टीम ज़्यादा खाना खाएगी वो जीत जाएगी, फिर सही टीम है, वो जीतेगी, फिर सही टीम है हमारी। कश्यप ऐसे खुश हो रही जैसे अब्दुल्ला शाहगाजी में उसको मिल रहा लंगर, वो भी सेवला चावलों की बिरयानी का। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ भैया खाना खाना नहीं है, मांग के खाना है भैया, कोई आपको ला के नहीं देगा। कश्यप क्यों खुश हो रही हो? हमारी टीम है, हमारी टीम। पांच बंदों को तो ये अकेला खा जाएगी। मैं भी हलूल में। कश्यप जी बिलाल कन्विंसिंग पावर आई थिंक हमारा ज्यादा है लगता है इनके मुकाबले में, तो इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। और हो सकता है कि हमारे फैन भी वहाँ मिल जाए हल्के फुल्के तो वो हमको खिला दें, तो इस बात का एडवांटेज भी हमारे पास है। चले, लेट्स गो। और स्पेशली मैं जो जगह जाता हूँ वहाँ हल्के फुल्के फैन वगैरह मिल जाते हैं, अल्लाह करे कोई फैन ऐसा मिल जाए कि जल्दी से हमें खाना खिला दे ज्यादा और हम जीत जाए। तो फैन भी आपके हल्के फुल्के फैन वगैरह हल्के फुल्के मिलते रहते हैं। सब और तकरीबन अब जो दो दिन से मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ लाइक एक मिनट सिद्रा खामोश, ये बात सुनने की बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रास्ते में कोई भी मिलता है तो बोल सबसे पहले यही सवाल होता है कि आप कुछ खाएंगे? मैंने कहा नहीं खाऊंगा भाई। फिर बोलते सेल्फी खिंचाएंगे, मैं बोलता नहीं खींच, फिर मैं बोलते चलो सेल्फी ले लो लेकिन खाना भी। सेल्फी भी ली जा रही है आपसे? सर सर हल्का फुल्का होता है, आई एम नॉट इन प्राउड माई सेल्फ, लेकिन जो भी हल्का फुल्का हो रहा हूँ अल्लाह मशहूर हो गया अल्लाह के करम से जी। और लड़कियों को देख के खाना देने से कौन मना करेगा? फिर उसके बाद जब दूसरा डेयर आया और जब वो उस डेयर को हमने सुना तो हम सारे के सारे सुन हो गए। करना ये होगा आपको कि जो कैप्टन है टीम का वो सेलेक्ट करेगा आप में से कोई एक बंदा जो अननोन लोगों से ये कहेगा कि प्लीज इसके मुंह पर एक चमाट मार दो। कैप्टन के मुंह पर खाना है खुद अपने आप पे, अपने मुंह पे दूसरे को कन्विंस करना है कि जन्नाटेदार एक थप्पड़ मार दे। नहीं, नहीं। मैं तो मुंह तोड़ दूंगी। आम आदमी
नहीं नहीं तो थप्पड़ कैप्टन खाएगा या जो बंदा सेलेक्ट होगा? कैप्टन डिसाइड करेगा कि मेरी टीम में से कौन चमाट खाएगा। किसको डिसाइड कर रही हो? क्या हुआ बा? नहीं सर ये पूछ रहे तू खाएगा, मैंने कहा नहीं। कोई भी खाएगा, क्या हो गया? टीम के लिए तो खाना पड़ेगा ना। नहीं खाना तो आप अभी छोड़ दो, बेइज्जती से भरपूर चैलेंज है। बहुत बेइज्जती होने वाली है, बहुत बेइज्जती होने वाली है। वी आर रेडी। करेंगे। श्योर? रेडी। तो कौन खाएगा थप्पड़ आप में से? सारी लड़कियां मेरी तरफ। मैंने सोचा भाई ये क्या यार। और क्योंकि आप अलग अलग जुदा ना हो इसलिए आपकी टांगे बांध दी जाएंगी। जहाँ आपको लगे कि बस बकवास, जो बकवास ड्रामा, क्या मजाक लगाया हुआ यार, ये क्या होता है, थप्पड़ खा लो, खाना खा लो, हार मानो, टीम खत्म। ठीक है। कैमरामैन को प्रॉब्लम आई तो कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। जैसे DHA वाले आ सकते हैं, पुलिस वाले आ सकते हैं। जी। पुलिस आएगी तो क्या करोगे? कन्वेंस करेंगे। जब पुलिस वाले मिलेंगे या पुलिस वाले ढूंढेंगे तो उनसे पैसे लेने हैं आपने। पुलिस वालों से पैसे लेने? मुझे पता चला कि हमारा चैलेंज ये है कि आपको थप्पड़ खाना है, उसके बाद आपको अपना नाश्ता भी खुद ही ढूंढना है और पुलिस वालों से पैसे भी लेने हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्या मजाक है, मैं कहाँ आ गई हूँ। डेयर जब शुरू हुआ तो मेरे साथ बांध दिया एक गधे को, और वो उस गधे का नाम था यया, और वो इतना बक बक किए जा रहा है कुत्तों की तरह मेरे कानों में, क्या बताऊं, अब रुइयां डालनी पड़ेगी कानों में। लेकिन उस बंदे की चुप चुप बक बक बंद ही नहीं हो रही। लिविंग ऑन द एज, ओवर द एज, सारे सीजन रट के आया हुआ बंदा, और साहब बस यूं लग रहा जैसे परफॉर्म ही वही कर रहा, हम लोग तो यूं ही खड़े हुए हैं। चलो ना जल्दी जल्दी, भाई जब हमें वैन में बिठाया गया तो मैं तो ये सोच रहा था कि औरंगी कोरंगी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ चांदे खूब पड़ेंगे। लेकिन जब वैन से उतरे तो बोट बेसन का इलाका था और वहाँ रेस्टोरेंट है, तो मैंने शुक्र माना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करके, चलो कोई हाई फाई इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ चांटे थोड़े कम पड़ेंगे। आओ चमाट खा रहे हैं। You guys need to direct the way, right, left, यहाँ पे लोग खा रहे हैं। इससे सामने वाले से सामने वाले। भाई 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 भाई, excuse me, अंकल 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 एक मिनट अंकल। खाना 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 खाना। अबे वो अंकल। Need to go with the प्यार से तमीज से। यार वो अंकल खाना खा रहे हैं। यार यार कैसे जाएंगे? भाई एक चांदा मार दो जोरदार। एक चांदा एक चांदा मार दो प्लीज। यार भाई बहुत बड़ा भाई। मार दो मार दो मारो 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 यार। फिर हमने सबसे पहले वो सोचा कि खाना खाया जाए क्योंकि हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला था। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए, लोगों से मॉडर्न फकीरों की तरह मांग रहे थे हम लोग। थोड़ा सा कुछ खिला दे, एक रोटी मंगवा, खिला दे खिला दे, पिलाए नहीं। खाना होता हम खुद खा लेते। जैसे टमाटर मार दो हम लोग। चलो होटल वाले के पास चलो, होटल वाले के पास चलो, देर चल जल्दी देर जाओ यार। नहीं करो यार, नहीं करो, हमें आपको पता है रास्ते खाना नहीं दिया, हमें रास्ते खाना नहीं दिया कि अपना खाना ना हम सोए ना हमें खाना दिया यार। देखो चलो एक चपाती खिला दो बेटा। चलो आज छोड़ो रखा करो मुंह में, चलो 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 बात तुम्हारे तुम लोगों का बहुत टाइम। सबको तीन डेयर मिले हुए थे, मुझे चार मिले हुए थे, एक खाना खाना, दूसरा थप्पड़ खाना, तीसरा पुलिस वालों से पैसे लेना, और चौथा ओफ अभी यहाँ की स्मेल बर्दाश्त करना। यहाँ का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नहाने का रिवाज भी है। आप लोग नहाते वहाते नहीं है क्या? यार मेरे जल्दी आओ। अरे वो अंकल की बजाने खाना खा रही है यार, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो ना।
अंकल अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, हमको खाना खाने का टास्क मिला हुआ है फ्री में, तो आप लोग हमें कुछ ना कुछ तो खिला दें सर, ताकि हम जीत जाए सर, हमारी टीम जीत जाए, अगर आपकी परमिशन हो तो सर। सर प्लीज़ अगर आपकी परमिशन हो तो हम खा सकते हैं थोड़ा सर, आप और भी मंगवा दें थोड़ा थोड़ा सा सर, प्लीज़ सर रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ थोड़ा। अच्छा यही खा लो, यही खा लो यार, यही खा लो, यही खा लो, कुछ तो कुछ होगा, खाओ 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 खाओ, करो ना। अरे खाना अच्छा, ताकि हम कुछ ज्यादा खाएं थोड़ा, अभी वो जो बातचीत की प्लानिंग है उस पे नहीं चल रहे हो। बात सुनो, खाना खिलाओगे? खाना खिलाओगे? खाना खिला दे हमें प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, सही वाला, मुझे ज्यादा खाना है। नहीं थोड़ा सा भी खिला दे, इधर से आ जाओ, पांव बंदे में इधर दे दोगे? इधर आ जाए प्लीज, आप खुद उठ के आ जाए। मुझे तो खाना है ना, मैं इसको खाओ साथ, आप लोग खा लो, आ जाओ। सारे खाते है ना, थोड़ा 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 खाते है सारे, खाओ ना। तुम लोग पेट में यार, नाश्ता मैंने भी नहीं करा कसम, ठीक लगा रहे हैं उनको भी, तो कुछ नहीं मिला उनको भी, तो कुछ नहीं मिला। आओ चलो लो लो, जल्दी खत्म करो, फिनिश करो, आगे चले फिर। इसमें क्या है? अबे देना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दे देंगे, रायता, इसके अंदर अंडा तो नहीं था? आप भी खा लो, एक वाला भर लो जल्दी, है शर्मा का क्या टाइम है यार, ऐसा ही होता है। अब नहीं अंडा, भजन सोचो मत, थोड़ा कुछ और ले देंगे प्लीज। इसके अंदर अंडा था? पक्की बात है, एक ले दोगे और बस? बस ठीक है फिर, दे प्लीज। Thank you so much for this. Thank you. थोड़ी सी मुझे दे दे। भाई बात सुनिए, हलवा पूरी देते हैं। एक मिनट, होटल वाले से बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो मुझे लगती है तूबा यार, कसम खुदा की कान बगल लिए मैंने, काउंटिंग नहीं आज भाई, भाई खाना और खाना है तुम सबको भाई, सब खाओ चाय मिल गई शुगर, और चलो और चलो और चलो, चलो 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 स्पीड में। अंकल अंकल हजारे कुछ खाने के लिए दे दें प्लीज, हमें थोड़ा सा अंडा पूरी दे देंगे, अस्सलाम वालेकुम, हमने रात से खाना नहीं खाया, हमें कुछ खाने के लिए दे दें, एक मिनट दे दो, हलवा भी, हलवा मुझे राखा ले, थैंक यू भाई, जल्दी दे दो प्लीज, ये भाई बच्चों की तरह मार रहे, इसको भी, इसे भी, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, टास्क हो रहा है ना पक्का यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अरे भाई मार दो यार प्लीज, खुदा के वास्ते सर हाथ जोड़ते हैं आपका, सही है, हो गया शूट, हो गया हुआ ना, बिलाल हो गया, सही, चलो 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 चलो, थप्पड़ मारना, थप्पड़ मार दो, हाँ एक मिनट, ये शॉट आपने क्यों लगाना है, हल्का हल्का सर, सर चले सही, अच्छी बात है, हो गया शूट, हो गया, शूट नहीं हुआ यार, वो शूटिंग का भी तो ध्यान रखो, अंकल थप्पड़ मार दो, थप्पड़ एक थप्पड़। और एक चीज़ जो आप सबको बार बार सुनने में आएगी वो ये थी
कि हमारे बिलाल साहब जो थे वो ये कह रहे थे, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा चल रहा है, कैमरा देख रहा है, कैमरे को यहाँ से चलना है, कैमरे को वहाँ से चलना है, कैमरे को नीचे से देखना है, कैमरे को ऊपर से देखना है, यानी कि चारों तरफ से कैमरे को सिर्फ उन्हें ही देखना था। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ इतने बड़े डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। सर थप्पड़ सही है, चलो यार हो गया ना, शुरू हो गया। थप्पड़ मारना, थप्पड़ 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 मारो। अच्छा भाई यार खाना भी खाना है, फैमिली के पास जाओ ना वहाँ पे। यार तो तुम चांटा मार दो बस, ठीक है। और एक और लोगों ने मांगी, ठीक है हो गया हो गया। शूट में पुलिस 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 पुलिस, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, गिर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, जाओ जाओ। और फिर हमें फाइनली खाना मिला जिसमें हम लोग सारे पागलों की तरह टूट गए, टास्क तो भूल गए थे, अपना पेट याद आ गया था और सारे फौरन फौरन खा रहे थे। रुक जाओ, मेरे तो सुकून मिल गया, शुक्र है अल्लाह। लॉक कर दे दे दे, अबे दाल तो खत्म करो। अंकल कितने अच्छे हैं यार, अंकल और दे दो। तो मेरी टांग बनी बिलाल के साथ, एक घोड़े की तरह चला, एक गधे की तरह चला। और मैं एक टांग मेरी उधर जा रही है, एक टांग मेरी इधर जा रही है, मैं तो अजीब ही हरकतों में। जो आवाज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं निकाली ना, वो आवाज़ मेरी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रही थी, एक अजीब ही तरह का मेरा पता नहीं कौन सा वो एक छुड़ैला वाला रूप सामने आ रहा था। दिल चाह रहा था एक घूसा लगाऊं मैं बिलाल के, एक तो वो मुझे नापसंद तरीन मेरा शख्स, ऊपर से उसके साथ मुझे हाथ भी पकड़ना पड़ा उसका, और वो मेरा हाथ यूं करके पकड़ रहा है जैसे होता ना एक बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है कि नहीं ये इधर उधर ना भाग जाए, जैसे चीज़ की दुकान पे ना चले जाए, ये ना ले, इस तरह मेरा हाथ पकड़ रहा है। और फिर जब थप्पड़ खाने की बारी आई तो थप्पड़ पे तो वो तो ऐसा कर रहा था, इधर कर दो इधर, नहीं नहीं इधर कर दो इधर, बहुत स्वीट बन रहा था, जितना स्वीट है नहीं वो जितना बन रहा था। सर कम एक मिनट, आ सकता हूँ मैं आपके पास बात करने के लिए, आ सकते हैं? ठीक है ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, हमें टास्क मिला खाना खाने का, हमारे पास पैसे नहीं है और हमको भूख भी बहुत लगी है, अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि हम जीतें तो अगर आपकी बिरयानी एक प्लेट अगर मिल सके सर प्लीज़, एक सिर्फ सर, ओनली वन सर, आई रिक्वेस्ट। आप हमें खाना, वेट वेट वेट, जब कैमरा आप पे हल्का सा खा दीजिएगा और हमें खाना खिला सकती है, एक बिरयानी की प्लेट आ सकती है। सिर्फ कम ऑन सर, कम ऑन कम ऑन सर, इसके अलावा कुछ खाने वन प्लेट सर, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे सर, एडजस्ट कर लेंगे सर। अगर आप अपनी मोहब्बत में अगर और भी और कुछ खिलाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है सर, ओनली वन प्लेट की बात है सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट फॉर यू, आई रिक्वेस्ट फॉर यू सर, आई रिक्वेस्ट फॉर यू, बाकी आपकी मर्जी है ना। आप हमें दो बिरयानी की प्लेट्स खिला दें प्लीज़। अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ मैं थोड़ी आपकी? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से नहीं पीना, मैं पूछ के पी रहा हूँ, पी सकता हूँ आपकी कोल्ड ड्रिंक? सर सर ओनली यू कैन है परचेज फॉर वन प्लेट बिरयानी सर, ओनली फॉर वन प्लेट बिरयानी सर प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। No, no, it's not about requesting or something. This is a show and we are doing a task. If you're gonna give us a dish or something, or whatever you want, no, he can understand. So, agar aap hamare liye kuch bhi order bhi kar sakte hain, to hamare liye points banenge. Bilal bade pyar se baat kar raha tha khane ke liye, aur Bilal ki to masoom si shakal dekh ke sab khana bhi de dete. Bas tabhi wahan pe entry mari Sidra ne, aur Sidra ne kaha ki hum yahan par aapse maang nahi rahe, ye hamara challenge hai jo hame karna hai. और फिर उसके बाद तो हमारे लिए पॉइंट्स बनेंगे जो हमारे हमारे लिए। ऑलराइट थैंक यू, ओके ओके थैंक यू, वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो चलो चलो, चलते रहा करो यार, टाइम नहीं, वी आर नॉट टाइम यार, टास्क पूरा करना है हमें। और तमीज से बैठ के सबसे पहले हमारे लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो। ओके 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 ठीक है ठीक है ओके। अभी कैप्टन साहब की तो हमें समझ ही नहीं आ रही, वो तो अपने एटीट्यूड अपने प्रिंस बन के घूम रहे हैं भाई। आप शो में आए हुए, आप अपने घर पे नहीं बैठे हुए, या आप किसी कबीले के सरदार बन के नहीं आए हुए यहाँ पर। जब कैप्टन है सबको बता रहे हैं कि जी इसने थप्पड़ खाने, लेकिन खुद तो वो किसी चीज़ पे रेडी ही नहीं हो रहा था, खाना खाने में सब आगे थे, थप्पड़ खाने में कोई भी आगे नहीं था। भाई ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है,
डर है इसमें, इतनी ईगो हर्ट होने वाली क्या बात है। आगे नहीं, आगे नहीं, आगे खत्म हो रहा है, आगे खत्म हो रहा है। नहीं यार, ये वो पागल है, एक मिनट मार लो खाली, इस तरह आ जाओ, थप्पड़ मार जोर का, थोड़ा जोर से थप्पड़ मारना, ठीक है बेटे, एक थप्पड़ मार दो जोरदार, मुझे ना खाना, कैप्टन साहब भी सही जा रहे हैं, जब चमाट खाने की बारी आई तो मैंने बोला यार बलाज भाई खा लेंगे, लेकिन वो बोले आइए तुम चमाट खाओ, अब चमाट भी मुझे खाने पड़ेंगे यार, ये क्या सीन है, आप लोग भी तो टास्क कर रहे हो यार, अरे उनके पास टास्क मिला हुआ है, प्लीज सिर्फ एक दो से मार दे, एक दो मार दो, एक्सक्यूज मी प्लीज मार दीजिए, प्लीज हां मैं खुद बोल रहा था, एक जोरदार मार दो, जोरदार, अच्छा थप्पड़ तो मार दे, कैमरा रिकॉर्ड वहां से, एक थप्पड़ मार दे प्लीज, अरे थप्पड़ मार दे प्लीज, अरे अरे वो फैमिली बैठी उनसे खाना मांगते हैं, अरे वो फैमिली बैठी उनसे खाना मांगते हैं यार, वो लोग फैमिली करेंगे, वो नहीं करेंगे, ब्राउन शर्ट, एक काम है आपसे, एक मिनट आओ ना सर, आपकी परमिशन है तो सर हम आपका कुछ खाना खा सकते हैं, हमको ये टास्क मिला हुआ है कि हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हम जीत सकेंगे, थप्पड़ भी मार दें, खाना भी खा लें, अगर आपकी परमिशन हो तो एक जोरदार थप्पड़ मार दें, एक जोरदार प्लीज, ऐसा करके लाल निशान हो जाए और खाना खा लें हम लोग, खाना खा लें हम लोग जी, बिल्कुल बिल्कुल थप्पड़, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज थप्पड़ मार दे, पहले स्लैप मार दें जोर से, हाँ जोर से, इधर तो आओ कशफ, हां हां कोई नहीं, कौन था स्टैप इन, या या फाइनल, या या प्लीज, हां मैं खा चुकी हूं, और प्लीज और ये खाना हम खा लेंगे, या खाना मंगवा, खाना हम खा लेंगे यार, नहीं आप जोर से मार दे, जोर से, बस सही है, हो गया ना, हो गया हो गया, खाना 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 खाना, सर अगर कुछ और मंगवा सके आप, दो दिन और, दो दिन बुरी, दो दिन बुरी, आप भी थप्पड़ मार दीजिए, एक थप्पड़ मारना है, दो दिन बुरी तो मारना है, छोले खाओ छोले, जल्दी खाओ, छूटो जल्दी 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 खाओ, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, यार थोड़ा सा आप थोड़ा यहाँ वाइट एंगल बन जाएगा कैमरा, ये खाना हम लोग खा रहे हैं, दूसरा हमारा टास्क है, और दो दिन बुरी आप और मंगवा रहे हैं, बैठ के खा रहे, ये लोग खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा, नहीं बिलाल खाना खा रहा है, मैं नहीं खाओ खाओ, सीधा सीधा तुबा खाना, हमारे इतराज करी जा रहे हैं कि हमारे पिक्चर आ रहे तस्वीर उसमें, नहीं नहीं कैमरा सिर्फ हमारे ऊपर है, कैमरा उन तरफ नहीं है, कैमरा उनके ऊपर नहीं आ रहा, हमारे ऊपर आ रहा है सर, सर हमारे ऊपर आ रहा है कैमरा, सर 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 एक्सक्यूज मी, इधर आओ बोल, ये जो ब्लैक जैकेट वाले भाई आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको मुझे देख के कुछ कुछ हो नहीं रहा था, कुछ कुछ हो गया है, बार बार मुझसे पूछ रहे थे क्या लेंगी क्या चाहिए, आइए बैठिए ना, मैंने ये सारी बातें सुनने के बाद सोचा कि थोड़ी सी देर नज़र भर के देख लिया जाए, मगर फिर क्या करें, दिल पे ही नहीं लगा, और फिर अंदर से एक अच्छी सी आवाज़ आई कि वक्त आने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बनाना पड़ा, बिल्कुल चाय चाय पियो चाय, अगर कुछ एटलीस्ट नहीं करे ना तो आमने सामने थप्पड़ ही बिठा दे, पांच जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनको दे, देखो जितनी इनकी बर्दाश्त है, मैं भी जाऊं चाय मुझे दे दो, मैं भी जाऊं चाय, सर मैं भी जाऊं चाय, अब उनसे उनसे अब इसको थप्पड़ मार दीजिए, गौर फरमाइए चाय कैसे ऑफर की जा रही है, भाईजान पूछ रहे हैं सालन क्यों नहीं खा रही हैं आप, पराठे मंगवाऊं क्या, आइए बैठिए ना, बैठिए तो जरा, ब्लैक जैकेट के पीछे जो शलवार कमीज वाले भाई साहब थे वो तो ऐसे देख रहे थे जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम,
थप्पड़ मार दो भाई प्लीज यार प्लीज सर रिक्वेस्ट सर रिक्वेस्ट आई एम रिक्वेस्ट हां 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 पक्का जोरदार मार दे मार दे सर नहीं बस छोड़ चलिए यार भाई चाय तो मिला दो यार कोल्ड ड्रिंक खिला दो चाय पियो ना कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पूरी पीनी है हां पूरी पीनी है पूरी पियोगे तो हां हां मिला पूरी पीनी है पूरी पूरी 1 2 3 हो गया बहुत यार मैं एक सिप में पूरी कोल्ड ड्रिंक आप भी मार दो इसको चप्पल चाय पी यार एक मिनट मेरी बात सुनो ये जो पैर हमारे बंधे हुए ना तो प्लीज एक एक करके आगे वाला तमीज से चलेगा तो पीछे वाला चल सकेगा कोई दूसरे को ना बोले कि स्लो चल रहा है क्या मिलेगा इसके बाद अगर आपने टास्क पूरा कंप्लीट कर यार चलो ले लेट्स गो लेट्स गो जब तक ये लोग खाने का करते हैं मैं लोग जमा करती हूँ थप्पड़ मारने के लिए इतना कैसे करूँ यू आर हियर कैसे करूँ मैं तो बात ही नहीं करी इसीलिए आप इनके मुँह पर थप्पड़ मार दीजिए ये आपको मारने देंगे आपको कुछ नहीं बोल रहे हमें पॉइंट्स मिलेंगे ओके चलो बिलाल बिलाल वो तुम्हें थप्पड़ मार रहा है जोर से जोर से जोर से हाँ हाँ मसला नहीं है हाँ मसला नहीं है हाँ मसला नहीं है बिल्कुल जोर से लगा देख लो लाल हो गया निशान अभी और भी खाऊंगा थप्पड़ बस बिलाल ले अब अगले गाल पे यार अब फीमेल्स के साथ चलते हैं अगर लड़के लेकिन लड़कियां भी कैमरे में नहीं लड़कियां लड़कियां दूंगा मैं वो देखनी होंगी जो आ जाए चाय भी नहीं है भाई अकेले उसको नहीं पटवाओ सब चित्रा चाय तो बहुत पी लो जल्दी पी लो यार मैं तो कह रही थी ये ऐसे रुका कहां से वो लोग कर भी रहे होंगे बहुत जोर का लगा हमारा दिमाग खराब हो गया इतने थप्पड़ उन्होंने खाए नहीं होंगे अभी तक खाने चालू करो करो खाने खाने चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो जा चलो लेट्स गो पूरी मंगवा ले बता देना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा चलो चलो ठीक है कोई मसला नहीं है सो लो यार एक मिनट गाइस लेट्स गो एक मिनट एक मिनट एक जो बिलाल चाय डन डन बिलाल हैज डन जो जैसे जल्दी कर लो थैंक यू अबे खाने पीने वालों के इधर इधर पांच अल्लाह भला चल भाई उस तरफ जा रहा है अबे भाई फूड स्ट्रीट उधर है यार उधर उधर जाओ उधर उधर इधर आओ ना इधर तो आया छीनेगा यार ये लोग खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे पता नहीं रेडी वन अबे ये चले ना क्या करें एक मिनट एक मिनट रास्ता अंकल को बोल दे चमाट खाए जल्दी जल्दी चलो खाए नहीं भाई अपन लोग अंकल हमें दे दिए वो करते हैं यार अंकल चमाट मारेंगे जल्दी जल्दी चल जान क्या कर रहा है अबे तो कैसे चलूं जल्दी जल्दी चल नीचे कर लो अबे क्या नाम है तेरा आदित्य नहीं हो रहा चलता एक पांव बस नीचे कर बोल रही हूं नीचे कर अभी देते हैं अब दर्द हो रहा चल इधर गया कैमरा में जान जान अंकल आराम से नहीं जोर से आवाज आए चल बेटा लाला ने सबकी कसर निकाल ली चलो चलो बहुत जोरी बढ़ गई है चलो लड़कियों को बाहर करो जल्दी से बाहर करो अबे इन लोग को पार करो जल्दी से इनको पार करो कमीनो ये लोग यहाँ खा के चली गई हैं हेलो लड़कियाँ बैठी हैं बार बार नहीं मिलेगा अबे आगे वाले होटलों पे चलता है अबे पागल नहीं अबे वो बात सुनो इनको खिला दिया उन लोगों ने आप नहीं खिलाएंगे आगे चलो आगे चलो अबे तुम बच्चियों के चक्कर में उधर जाओ यार अबे बच्चियों का चक्कर नहीं है हमारे साथ कम बच्चियां कौन से कस्टमर ने मना किया पैसे मांगना क्या नाम है इसका आगे चलो बेबी क्या नाम है इसका क्या नाम है इसका लड़कियों को खिलाए चमाट हमें बात करने कौन से पैसे दे मैनेजर के पास मैनेजर के पास चलना मैनेजर के पास तो मैनेजर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कैमरा हमारे साथ है आराम से शूट हो जाएगा और हम अपने शो का भी बता सकते हैं चैंपियन शो है वकार जका का शो है सब कुछ आराम से बता सकते हैं लेकिन नहीं हम जिस इलाके में मौजूद थे उसको कहते हैं बोट बेसन जहाँ पे सुबह का नाश्ता करने के लिए लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए होते हैं और जो असल में जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो ये था लोगों को कैमरे से फेस करवाना क्योंकि लोग हमें मना कर रहे थे कि हमें कैमरे के आगे नहीं आना तो जो असल में हमारी जो प्रॉब्लम थी ना वो हमें हमारा कैमरा ही था बोतल पिलाओ यार
चल ना भाई, आपके इसकी भी वो होगी, लोग ज्यादा आएंगे। ओए भला थोड़ा बहुत खिला देंगे, कुछ ज्यादा नहीं। सबसे सस्ता वो खिला दे, जो सबसे सस्ता। हां सस्ता वाला थोड़ा खिला दे, अल्लाह मदद करेगा भाई। अंकल ने हमें हलवा भी दिया, चाय भी दी थी अच्छी, और हमने उनको दुआएं भी। हलवा खा ले, अबे टमाटर खा ले यार, आ जाओ, अबे चुप कर, जो आ जाओ, बैठो बैठो इधर, चलो बस हलवे से खाओ, पूरी दे दे। लेकिन दे 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 दे, जितना जितना दिल करे दे दे। यार इधर ही खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े खाओ, खाओ खा, जल्दी खाओ यार, जिस दिन हाथ जा रहा है जल्दी खत्म करो, पूरी दे दो ना, बस बस जल्दी खत्म करो, जिस दिन हाथ जा रहा है। अबे आराम करो, मुझे भी तो खिलाओ, मजा ये ले। नहीं भाई ये नहीं, इसका थोड़ा खाओ, अबे हटो मुझे भी तो खाने दो, मुफ्ती का माल इधर ला, कोई बात नहीं, अपने शो के बाद भी यहीं पर रहना है, बच्चे लोग खाना खाने हैं, कोई चालन नहीं है। अल्लाह मदद करेगा लाला, अल्लाह बहुत देगा, हिसाब तो अल्लाह आपके कस्टमर बढ़ाए, लेकिन हमारे टमाटे खा लो यार, पैसे देने वाले। हां आपके कारोबार में और बढ़ाए, अगर एक परोठा और दे दे, टमाटे क्यों, क्या चालन दे दो प्लीज, हमारा चालन भाई, क्या करें, खाना दो दिन से खाना नहीं दिया, हमने खाए चैलेंज है टमाटे खाने का, आपको मतलब दो दिन से हमने खाना बता रहे नहीं है। हाँ वो तुम बना के चलेगा तुम लोग भाई, वो झूठ बोल के हैं आपको, झूठे बच्चे आप लोगों ने, झूठे बच्चों के भाई एक ड्यू भी दे दो यार, एक दे दो बस, आराम से क्या हो गया, आराम से खाओ, मत आराम से खाओ, आराम से सारे भाग गए, जस्ट बात की ये देखे हलवा भी हम यार ये लोग तेज चलेंगे, किसी नहीं चला जा रहा, दैट शुड बी यू नो आउट ऑफ दिस सर्विस, यार तो वो लोग चलेंगे तो मैं डर करेंगे, वो हमारे दो देर यार मैं कैसे आऊं, बड़े लो ना, अब है मजा। हाँ एक चीज बताता हूँ मैं आपको, काफी फनी कश्यप की, कश्यप चल रही है यूं 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 चल रही है यूं, हमें इतनी प्रॉब्लम हुई और चीखें जा रही है मुसलसल, मतलब यार हमें टाइम का भी ख्याल रखना है और सब कुछ चीजें करनी है, चीखें जा रही यूं चल जा रही है, अरे मेरी टांगे यूं खुल रही है, टांगे खुल रही है, गिरना जाओ ये गलो, अरे भाई अच्छा आपकी रैंक जान सकती हूँ मैं, ठीक है, तो हम लोग एक शो कर रहे हैं और उसके कंटेस्टेंट हैं हम सब। बड़े बड़े भरमबाज देखे होंगे आपने, इससे बड़ा भरमबाज आपने कहीं नहीं देखा होगा। सिद्रा पुलिस वाले से जाके पूछ रही है अपना रैंक बताइएगा, और पुलिस वाले ने यूं करके देखा, मुझसे पूछ रही है, बड़ी आई कमिश्नर की बेटी मुझसे पूछ रही है। हम सबको भी कुछ टास्क मिले हुए हैं जो हम पूरे कर रहे हैं, जिसमें से हमें पुलिस से कुछ पैसों की कलेक्शन भी करनी है, जितना अभी आप हमें दे सकें। तो देखिए आपको बात बताऊं जी, हम लोग सिर्फ मददगार बन पाए थे। अच्छा ओके, नहीं बट हमें ये अभी टास्क दिया गया कि जो भी पुलिस में नहीं, थाने की गाड़ी का आप बुलाएंगे वो आएगी, नहीं हम बुला नहीं सकते, हमारे पास फोन नहीं है और हम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, 10 rupees 20 rupees एनीथिंग कुछ भी दे दे, कुछ भी दे, जस्ट फॉर द गेम यू कैन गिव अस एनीथिंग, पुलिस तो पुलिस होती है, दैट इज मददगार और समथिंग, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ये देखो शोर में पुलिस वाले से ले लिए, अब खाना 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 चलो 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 चलो, सर एक मिनट सर, सर हमको टास्क मिला हुआ है, आप चांटे मारेंगे हो जाएगा पूरा, चलिए ठीक है, ओके ओके शुक्रिया यार, खाना खाना आप खाना चलो रेस्टोरेंट यार, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 सर, एक मिनट और फिर फैमिली 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 बट एक मिनट एक मिनट, लिसन 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 लिसन, पहले मैं परमिशन लूंगी, पहले मैं परमिशन लूंगी, फिर आप कैमरा लाइएगा,
अच्छा सपोज अगर आप खाना खा रहे होंगे और आपके फेस के ऊपर कैमरा आएगा तो इट्स वेरी अनोइंग राइट, तो हमारे साथ भी इसी तरह हुआ। कैमरे का बड़ा मसला आ रहा था, जब सब कैमरा देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे कैमरा लाना अलाउ ही नहीं है, यहाँ कैमरा नहीं लाइएगा, और अगर हम कैमरा नहीं लेके जाते या अगर हमारा कैमरा बंद होता तो हम तो डिस्क्वालीफाई हो जाते। वो मना कर रहा है, मना कर रहा है, ओके ओके। तो कहाँ जाएं अब, आगे भी तो रेस्टोरेंट, आगे भी रेस्टोरेंट है, आगे भी रेस्टोरेंट है, चलो यार बस बहुत हो गया। हां कुछ खा ले, खाली लड़कों को ढूंढो, तुम लोग की फैमिली आप देख लो तो वो जाहिर सी बात यार। ये देखो मैं टांगे फाड़ लूं, गरीब हूं, रुको रुको अच्छा अच्छा सुनो, तुम भी आराम से चलो। ठीक है ठीक है, हां मैं बीच में फंस चुकी हूं, बहुत भीड़ है, मुझे बीच में नहीं। कशफ हम सब के दोनों गुरु पैर पे, कस्टमर कहां है बैठा, मैं तुम्हें अपना पैर दिखाऊं, ये देखो कैन यू सी दैट, अरे इसके अंदर ये कराची ब्लाउज के अंदर, ये देखो नहीं यार, शी इज कंटीन्यूअसली रिपीटिंग वन थिंग, यार स्टॉप शाउटिंग, और तुम्हारी वजह से हम सब भी पता है वो हो जाएंगे यार। हां कशफ अच्छा खाने का करो, असल में हम दोनों का दिया हुआ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये आपने गैप दिया हुआ, उनका गैप नहीं दिया हुआ, इस वजह से मुश्किल हो रही है यार। देयर आर नो रेस्टोरेंट वेयर आर वी गोइंग, एक काम करते हैं, नहीं बात सुनो, किसी रेस्टोरेंट को बोल दें कि आप हमें खाना खिला दो। हां आगे दिस इज द बेटर ऑप्शन, इधर आओ यार मेरा पैर, बट पर कस्टमर्स भी तो सही है, आप हमें खाना, अरे आगे और भी रेस्टोरेंट में, सिद्रा सिद्रा आगे और भी रेस्टोरेंट में, चलो कस्टमर्स भी चाहिए, ये रहना सामने, किसी बड़े बन पार्टी को पकड़ो ना यार, एक काम करो सब ऐसे चलो और कमर को होल्ड कर लो ताकि हम लोग को पता चले, यार एक काम करो प्लीज करीब आ जाओ ताकि हमें चले, और अपनी अपनी कमर होल्ड कर, हरे रंग का छत्ता क्यों बना हुआ है, हरे रंग का छत्ता क्यों बना, वहाँ पे देखो फैमिली, वहाँ पे देखो फैमिली, वहाँ पे देखो फैमिली, अरे यार क्या क्या करें फिर, कहाँ खाने जाए, अरे इनसे बात करें होटल वाले से कुछ खाने को, एक सेकंड के लिए रुकोगे तुम, एक सेकंड के लिए चलो आगे चलो तुम लोग, मैं कह रहा हूँ होटल वाले से बात करें हम खाना के लिए, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि हमें कस्टमर्स चाहिए, बात करते हैं आराम से, नहीं हमें लोगों से खाना लेना है यार, होटल एक नहीं ना लोगों से खाना है, चलो लेट्स गो ओके लेट्स गो, तो वो भाई बात है, चलो कस्टमर ढूंढते हैं यार, वो रहा रेस्टोरेंट, वो रहा वही तो मैं कह रहा हूँ, हरे रंग का छत्ते वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छी अच्छी पार्टियाँ आती हैं खाने के, अमीर अमीर वो खिलाएंगे खाना अपन को। वैसे तो मेरी टीम बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थी, किसी ने भी एक दूसरे का साथ नहीं दिया, लेकिन टास्क में एक बंदा था बिलाल जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लगा शुरू में, हाँ मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगा क्योंकि उसने मेरा नाम ले लिया था कि हाँ इसे निकाल दो, पर टास्क में वो मेरी बात भी सुन रहा था और वो टास्क भी सही से कर रहा था, तो आई वॉज ओके विथ हिम। यार क्या यार कोई भी आके मार दे, हल्का सा मार दे यार, हल्का सा मार दे, चांटा चांटा मार दे प्लीज, कम ऑन चांटा चांटा, आप इनको ही थप्पड़ लगा दे, शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू, एक और फैन मिल गया, फैन के साथ थप्पड़ भी खाए मैंने, सही हो गया ना, शुरू हो गया ना यार, बस बहुत हुआ यार, गाल लाल हो चुका है कदम बुझा की, अब खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, पुलिस वाले से पैसे मांगने पे, वो मेन चीज है, अरे 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 सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, अरे इनके साथ जाओ जाओ इनके साथ जाओ, मैं मेन से बात करता हूँ, अरे वो फैमिली वो फैमिली यार, तू आप लोग हील वाली चप्पल पहन के आते हो तो प्रॉब्लम है, आप लोगों को हमारा टाइम ओवर होगा तो पता कैसे चलेगा, मैं जब से ये बात बोली थी दोनों मुझ पे चिल्ला रही थी, ओके ओके, अब मैंने दर्द बर्दाश्त करना स्टार्ट किया यार, दर्द की बात है, बंदा गिर रहा है, दर्द बर्दाश्त हो रहा है, गिरना बर्दाश्त नहीं है मुझे, ओके ओके ओके। तूबा तो भाई स्टेशन में यार, आपको रस्सी बनी हुई है और आप मॉडलिंग पोज से ही निकल नहीं रही, इतनी मोटी मोटी हील यार, कौन बनता है इतनी मोटी मोटी हील टास्क में,
उसने पहनी, इतनी मुश्किलों से उनको भगाया मैंने। भाई लेके पैसे नहीं, पैसे जमा करते यार, रात खाते हैं बालाजी यार, जान नहीं हो रहा, वहां से आगे मूव ऑन कर लो। बहुत चमाटे खाएगा, एक तो दे दो। खाते हैं ना यहाँ पे, बैठो ना, खिला रहे हैं अंकल। तुम बोलो ना, तुम्हारे कोयटा का ये देखो ना, कोयटा वाले कैसे चाय नहीं दे रहे अजीत, तुम्हारे कोयटा वाले। चलो ना, ये खिला तो रहा है, क्या हो गया? वो खिला रहा है, वहाँ क्यों जा रहे हो? वो खिला रहा है, वहाँ जा रहे हो? चलो सीधा निकलो, सीधा तंदूर के अंदर, चलो सीधा निकलो। अबे जल्दी जल्दी चलो यार, अबे इंसान के बच्चे बनो, अबे चलेगा तो मैं चलूंगा ना, मेरे हाथ में थोड़े ही है बच्चा का खाना। बच्चा भाई ये कढ़ाई जरा प्लेट में डाल के देते, इनको बोलो वो प्लेट डाल के प्लेट में डाल दे, और ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना हमें। हां काउंट होगा, काउंट होगा। चलो चलो, अबे काउंट होगा, वो बोल रहा है काउंट होगा। ठीक है प्लेट में डाल दे, ये प्लेट में डाल दो। थैंक यू सो मच, चल बैठ जा, बैठ जा, बोतल चाहिए, बोतल बोतल, इतना तो हम भी नहीं करेगा इतना आवाज भी नहीं आए। यार कोयटा वाला लेके आए हम लोग, एक नान में क्या चल जाएगा? ये कोयटा वाला भाई लेके आए आपके लिए, नहीं दे रहे, देखो जरा दो नान दे रहे, दे रहे दो रोटी, एक दे दो एक रोटी ले लो। अबे चलो जल्दी भाग लो, क्या ये ऐसा कर ले, आ जा आ जा आ जा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 20,000 की दुआएं देंगे। अबे तूने खा ली ये रीना, ये देखो रोटी रोटी आ रही है, ये देखें हमने पूरी कढ़ाई खत्म की है, ये सही है यार, ये नान आ गए, ए ये थोड़ा थोड़ा लगा, पागल थोड़ा थोड़ा लगा, ये ले अबे जल्दी करो, ये लो, चलो यार एक बोतल ये देख लो भाई, कुछ और भी मंगा ले यार, ये हमने दो नान भी तो खा, थोड़ा सा रास्ता दो यार, मैंने नान खाया, आ जा तू भी खा ना, अबे भूख नहीं यार, पेट भर गया, अब चटनी के साथ खा ले, कोल्ड ड्रिंक पिला दो यार, कोई ज्यादा खाना है भाई, अबे भाई कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो पहले, पेट ही भर गया यार, पेट भर गया ना यार, थोड़ा हाजमा होगा तो कुछ आएंगे, अबे तेरे हाजमे ओए दानिया बुरा लगने नहीं लगा ना, नहीं नहीं उसकी तो मैं मां की शो के बाद, ला भाई केला खिला दो यार, तुम बाद में की मैंने पहले जल्दी करना, चमाटे भी खाने और कटी, अब दोबारा डालना भाई, हमने बाप का है ना, मिन्नत नहीं की आपकी, आपकी फैमिली ने गाय ले लो तो हमने लिया है भाई, ये शू लेसेस भी तो संभाल ले यार, एक मिनट, हाँ ये पुलिस वालों से वो भी तो लेने, कैश यार प्लीज यार कश्यप प्लीज कोऑपरेट कर लो यार, टाइम नहीं है, चलो चलो अच्छा ठीक है ओके, यहां पे कौन है देखो, हमें यार यहां पे कौन है, ये स्टॉल किसका है, इसका मतलब ये स्टॉल किसका है, वी कैन हैव ऑरेंज जूस और होता है, हम इसे ले सकते हैं और उसको हम बोलते हैं बाद में आपको पैसे भी भिजवाएं, हां सही है, अब हम ड्रिंक्स करते हैं भाई, बहुत हो गया, अंकल आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए, हम एक ना सोशल सर्वे कर रहे हैं, ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस वालों के लिए मशहूर है ज्यादातर जो कि ये ट्रैफिक पुलिस होते हैं कि वो रिश्वत लेते हैं एंड ऑल, तो हम साबित करना चाहते हैं, हम गलत साबित करना चाहते हैं, चैरिटी वर्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छे मौके पे आप आ गए जी, अभी ये ड्राइवर खड़ा हुआ है, हां इससे पूछो मुझे पैसे दे रहा था, नहीं नहीं हमें नहीं, हमें आप पे यकीन है, हमें आप पे यकीन है, पुलिस वाले भी देते हैं पैसे, हम पैसे चैरिटी में लगाएंगे, नहीं 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 हमें गरीबों को खाना खिलाना, आप कर रही है लोगों की हेल्प, आप दे सकते हैं, समझ लें कि हम आपके बच्चे ही हैं,
बच्चों को दे रहे हो ये हमारा एक सोशल एक्सपेरिमेंट है उसमें दे सकता हूं जी जितने दे दे जितने दे दे नहीं अभी कोई बात क्या नहीं 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 ठीक है ठीक है मैंने आपको कहा ना हां ठीक है दे दो 100 रुपया अंकल प्लीज मुझे मिले नहीं नहीं मुझे ज्यादा चाहिए आगे 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 आ जाओ आ जाओ इधर 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 चलो अबे नीचे तो उतरो भाई अबे हां नीचे कहां इधर चलना है बे चल उतर अबे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं अंग्रेज शुरू की जो 15 मिनट की जो परफॉर्मेंस देखेंगे आप लोग तो उसमें तो बिल्कुल साफ साफ ही वाज़ है कि अगर एलिमिनेट कोई होगा तो वो सिद्रा होगी क्योंकि ना वो किसी लेने में थी ना देने में थी ना वो खाने में थी ना वो मांगने में थी और वो सिर्फ ये कह रही थी कि डिसेंट तरीके से बिहेव करो तमीज़ से बात करो बदतमीजी नहीं करो बदतमीजी कर कौन रहा था हमारे ग्रुप में बदतमीज था कौन चलो चलो यार चलते जाओ यार चलते जल्दी चलते जाओ आगे वाले को बोल के स्पीड पकड़े यार अरे नो टाइम यार नो टाइम पैसे भी पकड़ने पुलिस वालों से कुछ नहीं बोलेंगे आप मार दीजिए वो कुछ नहीं कह रहे आपको कुछ नहीं कहेंगे हां हां छांटा 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 आ जा इधर आ जा यहां पे इस वाले गाल सर इस वाले गाल मार दे इस वाले गाल ये सही है सही सही चलो चलो ओके ओके सही हो गया चलो जा रे एक मिनट भाई शूर आ रहा आ रहा चलो मेरे पैर सही सही किसी ने मारे मेरे शूर से स्कूल उस तरफ चलो सीधा उस तरफ चलो अरे उस तरफ चलो आग मार दे आपका एक फेवर चाहिए छोटा सा हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाँ। तो जैसे कि बहुत मशहूर है कि जो पुलिस वाले होते हैं स्पेशली जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ये पैसे लेते हैं रिश्वत लेते हैं तो हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता वो देते भी हैं और हम उसकी चैरिटी करेंगे गरीब बच्चों को खाना देखें जितना आप दे सकते हैं अबे आ जाओ टाइम बर्बाद नहीं करो बोले 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 उधर चलते हैं मुड़ो 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 चुप 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 ये हमारा टास्क है हमें पूरा करना है किसी भी तरह से तो प्लीज हमारे साथ कॉपरेट कीजिए और हम थोड़ा सा खाना दे दीजिए यार देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा सर एक मिनट आप नहीं दे हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे सर हमने अब तक भी हमें बहुत भूख लगी है नाश्ता नहीं किया एक मिनट सर प्लीज हो गया कश्यप तुम अपनी जगह पे जाओ बाहर ही रहो ना कैसे जाओ बैठ नहीं सकते ये देख सकते हैं हमने एक बिरयानी का पैकेट ले लिया है तो हम टास्क में कामयाब होते जा रहे हैं लेट्स सी कौन जीतता है चलो चलो कैमरे की तरफ फेस करो यार जल्दी 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 हाँ बिरयानी बाद में खाएंगे यार अब कहाँ चले यार वी शुड गो फॉर दिस मॉल और समथिंग वहाँ से वी कैन गो सब ना या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम ले सकते हैं इफ़ वी आर इंसिस्टिंग देम टू गिव अस समथिंग अब जो यानी अब जो लेफ्ट वाले ना बोल एक कम खाया है थी हाँ बैठ जाओ एक चीज और कर लेते हैं लेट्स हम यार हाँ खाना पहले साथ लेके चल लो साथ लेके चलो ओके चलो जस्ट अ बोल मैन आप खा लेना दूबा बस हम लोग मार्ट वगैरह में भी जा सकते हैं ना बट बच्चा खड़ा हुआ है ओनर कौन है नहीं तुम दोनों बात करना लड़कियों नहीं नहीं कश्यप
अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो यार, एटलीस्ट हमें कोल्ड ड्रिंक तो ले ही सकते हैं, कुछ नहीं। मना कर रहे हैं, आ जाओ। नो, मना कर रहे हैं, आ जाओ। ऑल राइट ओके ओके फाइन फाइन फाइन। कहाँ चलो? फिर हम पुलिस वालों के पास गए, लेते इतने सारे, देने के वक्त निकल नहीं रहा था कुछ भी। बड़ा अजीब सीन था, 50-50 रुपए दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तो हम लोग फ़कीरों को दे देते हैं, और वो भी हमने उनको बोला कि चैरिटी के लिए चाहिए, इतने लेंगे। और जब हम गए थे तो वो ऑलरेडी किसी का पर्चा काट ही रहा था, तो अभी तो वो मशीनें भी ATM वाली लेके घूम रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं भाई से। आदित्य ओए भाई से पूछना। हां वो होने की है, भाई से बात कर। अब पे जो भी है साइड पे आ जाओ, साइड पे आओ आओ, एक मिनट आ जाओ जाओ। बस अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, भाई ऐसा क्या है? क्या ना पीछा क्या सिंधी आयो? पठान पठान पठान। छोड़ 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 लाला, आप एक छोटा सा काम है संग है लाला, हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है कि वो रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि गलत साबित करना चाहते हैं, यही सोशल एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं आपके बारे में, ऑनलाइन चल रहा है, चैरिटी करेंगे। फिर हमें एक और बंदा दे सकते हैं, जितनी आप दे दो, एक बंदे ने 150 दिया, आप प्लीज थोड़ा ज्यादा दीजिए, पुष्टो वाला पठान वाला, नोट वाला, बेटा पठान वाला, मोहब्बत इश्क, एक और 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 एक क्या चीज कचरा? कच्चा नहीं, पका हुआ चाहिए। पकाने में कितना टाइम लगता है? आप बना दो ना, हम बैठ के वेट कर लेंगे। और सबसे अजीब बात, अजीब भी और अच्छी भी, अजीब बात ये थी कि जो लोग बड़ी गाड़ियों में आए हैं, अमीर हैं, बड़े बड़े होटल खोले, वो बोल रहे जाओ यहाँ से, ये क्या है ये, वो एक खाना नहीं दे सकते, एक रोटी नहीं दे सकते यार। और जो बेचारे गरीब थे, एक बंदा था जो बेचारे छोटी सी रेड़ी थी, अल्लाह उन भाई को बहुत खुश रखे, उनको हमने बोला, उन्होंने हमें बिरयानी की प्लेट दी, उसके ऊपर रायता भी डाल के दिया, उसके ऊपर क्या सैलड भी डाल के दी, पानी भी दिया। तो यार गरीबों के दिल इतने बड़े हैं, अमीरों के पास तो दिल इतना सा भी नहीं है ही नहीं। अबे देख के मैं भाई आपके जाऊंगा क्या? भाई क्या सजा मिल रही है तुम लोगों को? बड़ी खाना खिलाओ, रात से खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया अंकल, हमें हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें थोड़ा हमें बस इतनी सी बिरयानी दे दे, हम एक एक नवाला खा लें। अल्लाह भला करेगा तुम्हारा लाला। मैं सुना कराची की बिरयानी बहुत कमाल होती है, थोड़ी खाई ना, थोड़ी लाइट कर दो ना, बॉडी में डाल दो। नहीं नहीं बस बॉडी भी है भाई, बॉडी में आप बदल लो, इधर बैठ जाओ, पहले डील लेनो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये इधर आओ इधर आओ, इधर बैठो इधर बैठो 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 कर दे, इधर ही बैठ। शुक्रिया लाला, शुक्रिया। आयो आयो खड़े बैठने बहुत बालाज, खाली कौन चाहिए होगा भैया, भरी हुई चाहिए होगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखी। बिलाल चिकन ऊपर करो यार, मजे आ रहे हैं, खत्म कर दो, ये रहा ये रहा, बस सही कोल्ड ड्रिंक भी भगवा दे प्लीज, ये नहीं ढूंढ रहा यार, वो दे रहे, रुको दे रहे, क्या करूं, हाथ हाथ मार के दोनों करेगा, यार मुझे तो पानी की बॉटल चाहिए, तो नहीं करो यार, आओ उधर आओ, पानी की बॉटल दे दो यार, लाजम चावल भी छोड़, क्या कर रही हो अब, क्या मिल रहा है, ऐसा लग रहा है गाँव से अभी भी आई, बहुत लजीज है, वो
बहुत ही नस्ली है भाई। और शरीर की है तो ज्यादा लग रही है। तुझे खाओ। उसको भी पीछे चम्मच है तो उसको खिलाओ। यार चम्मच किस चम्मच ले लेना। बोर्ड बेसन पे काफी सख्त कस्टमर आते हैं जो कि लड़कियों से बिगड़ने वाले नहीं होते। अच्छा भाई उसने मिलके हमको एक अंकल वो खा रहे थे घर की रोटी। अच्छा जब हम उनको नहीं पता था। अच्छा जब हम खाने की तरफ लपके ना उनके तो वो छुपा रहे अपने। अभी छुपा 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 मैं अंकल के पास पहुंचा। अंकल ने बोला जब कैमरा है। ओ भाई अंकल भी होशियार बिल्कुल अच्छा बन गया भाई। कैमरे के सामने बिल्कुल अच्छा बन जाते हैं भाई पाकिस्तान में। भाई अंकल के पास हम गए मैंने हाथ में लाया अंकल अस्सलाम वालेकुम किया मैं। हर किसी को सलाम करता हूँ आपको पता तो है। अरे अंकल से अंकल से हम आ सकते हैं आपके पास। अरे अंकल से मांग के तो ठीक करो। हाँ मांगो मांगो। नहीं नहीं जस्ट साइड इज ऑफ प्लीज। मांगो यार साइड नहीं। अच्छा सही खाना ही करो। थोड़ा सा दे दे थोड़ा सा दे दे यार। ये तो खा लेना हम ये भी खा सकते हैं। नहीं हम ही खा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या पे लिया यार बच्चों। सर ऐसे खाएंगे रोटी। बस ये जस्ट रोटी। आप हमें रोटी मंगा देंगे यार। रोटी मंगा ले। रोटी मंगा ले। रोटी मंगा ले। रोटी मंगा ले। नहीं अब मंगवा ही खाना है। चलो यार तुम लोग। हां थैंक यू सो मच अंकल। एक ही काफी एक की रोटी। जल्दी जल्दी खाओ। मारिए तुम खाओ। छोड़िए ठीक है चलो। सिद्धा कितना खाओ तू का मुझे नहीं मालूम यहां के खिला एक थोड़ी यानी इतनी सी खाऊंगा बस वन वन बाइट वी आर गोना टेक इट तू का प्लीज एक बाइट बना के खिला दे। आ गए आप आ गए। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच। चलो अपने यहां से कैमरे को बैक चलो तू का एक साइड जो तू का भी कैमरा आप ही मत करा ओके चलो सर चलो। थैंक यू सो मच अंकल। आपके हाथ सर हाथ चूम लो। कराची में होते ही सिंधी पुलिस वाले मैंने सारी टीम से कह दिया था भाई पुलिस वालों से काम आपका भाई लेगा सबसे लेगा भाई जो भी सिंधी थे सारे। जब मैंने सिंधी में बात करना शुरू की भाइयों ने पैसे निकालना शुरू किया। मैंने कहा भाई सिंधियों की इज्जत रखनी है तुम्हें बाबा साईं सिंधी की इज्जत रख गए टीवी पे नजर अचे दो तो भाई लोग अपने सिंधी सारे निकालने लगे पैसे। अगर और टाइम होता तो सारे भाइयों से निकाल लेता पैसे भाई। हमने पैसा लिया हमने दिया नहीं कड़क वाला ये चीज नोट बनो अजय नोट बनो अजय सिंधी नोट बनो अजय सब मिटाए ना सिंधी ना ना सिंधी में आयु बाबा सो तो सो तो क्यों नहीं भाई मेरे पास 50 है मोहब्बत में नहीं जे नहीं कर सिंधी ले सिंधी ले एक एक सिंधी ले ये अबे टमाटर खाओ अब टमाटर खाओ टमाटर बेटा जमा करो यार पैसे जितने ज्यादा जमा हो भाई से पूछो भाई पैसे जमा करने या खाने जमा करने भाई नहीं खाने पुलिस वाले और किधर है यार ये कुछ बेच रहे हैं बेचारा गरीब है क्या ले पैसे सिर्फ जमा करने ना अभी हम लोग गरीब हैं यार सिर्फ जमा करने खर्च नहीं करते पुलिस वो किसी ने पूछा था नाश्ता कर सकते उसने कहा नहीं नहीं यार नहीं एक बंदा करके बोला कि सारे नाम मैं बोल रही हूं तुम मैं बात कर रहा था ना उससे अबे कहां से आए वो है ओए उनका हो गया हाथ जोड़ ले ओए हाथ जोड़ ले अगला बंदा चलो जाओ वो भाग जाएगा बेटा बंदे पहले लेकिन और कोई पुलिस वाला नहीं है चलो यार कितना टमाटर खा देना पूरी पराठा मिला ले एक मिनट अच्छा ना एक मिनट हमें थोड़ा सा हलवा दे दे खाने के लिए नहीं पानी का एक्सक्यूज मी दे आर नॉट इवन लिसनिंग हमारा ना शो का टास्क है कि अगर अगर आप हमें कुछ भी देंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे तो आप हमें कुछ भी दे सकते हैं खाने को
वापस उधर ही आना है बिल्कुल और हमें जो जो चाहिए था वो मिल रहा है कुछ भी दे दे बुलाइए ना मैं भी चुप हो जाती हूँ बार बार गाइस वी गॉट द प्राइज एज वेल थैंक यू एक मिनट थैंक यू सो मच ये हमारे आने का हमारा मांगने का कैमरे में दिखाओ देखें आप लोग प्लीज थैंक यू वेरी मच सर नहीं हम उन कैमरे से बात नहीं कर सकते उन्होंने मना किया वी कांट टॉक टू देम श्योर एक्सक्यूज अशफ खिलाओ यार यहां पे उनको भी खिला सुबह हो गया पूरी भी आ गई आराम करो मुझे एक पानी की बोतल दे दो चलो रास्ते में खा लेंगे तो 50 रुपए मेरी शक्ल याद रख लेना वो हम लोग नहीं कर सकते पानी से क्या होता है पानी के लिए तो कोई किसी को नहीं हाँ कुछ भी पिला दें पानी पिला दें बस आपको लेते हैं खाओ खाओ मैं पानी पी लूँ यार मैं पानी के बगैर कुछ भी क्योंकि बहुत स्पाइसी था मेरा मुंह बहुत गंदा चल रहा है अरे बलास साहब तो थप्पड़ खाने के लिए तैयार ही नहीं थे उनका तो ईगो और एटीट्यूड जो था वो केटू की पहाड़ियों से भी ऊँचा जा रहा था ठीक है तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि एक बंदे को हमने कैप्टन बनाया इज्जत दिया लेकिन इज्जत उसको राज नहीं आ रही ठीक है और वो आमिर वो तो उसका बहुत सगा बना हुआ था वो भी नहीं खा रहा था तो फाइनली अब जीतना तो था अब टीम वर्क अब सबको साथ चलना है अगर अकेले किसी बंदे का मसला होता चलो हो जाता फाइनली फिर दानिया ने बोला कि मैं थप्पड़ खा लूँगी मैंने देखा यार एक लड़की है तो वो इतना कुछ कर रही है इस गेम के लिए तो मैं भी खा लेती कोई बात नहीं गेम ही है ना कोई वैसे तो कोई पर्सनली खार नहीं निकाल रहा लेकिन जब दानिया को थप्पड़ पड़ा उसके बाद जो हुआ वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था बेटा वो डिस्क्वालीफाई कर देगा कोई चिराग नहीं करना पैसों वैसों वालों के नहीं है पैसे अबे पागल है मुझे नहीं समझ आ रहा आजा इधर बाला जा जा बाला इधर जा जा बस जा रही है ना वो बोल रही है ना यहां से तो यहीं से चल अपन दोनों खा रहे अपन देख लेंगे सबको तुम अपन दोनों खा रहे चल दस बोरी करवा लगा दे यार चलो यार जल्दी जल्दी हाँ काउंट है ना भाई 5 हो गए ठीक है ये सारी सारी उनके अम्मा देखे रुबेल खा लो हाँ आवाज नहीं आ रही क्या चलो 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 एक एक बाइट दे देंगे क्या बोली तोड़ देते थैंक यू सो मच एक बस पीस ले लो और वो सब डिवाइड कर लो बस काफी है हाँ बस जल्दी जल्दी खाओ लिख लो आप थप्पड़ मारेंगे इनको ये ले लो अब ये खाएंगे ना रेड के साफ करो ना इनको साफ करो सबको दो ना सबको दे दो गर्म ही बहुत है हाय हाय बहुत गर्म है बालाज ये लो शेयर करो सब में खाओ तू भी खाएगी मेरे साथ अबे अबे तू खाएगी प्रॉमिस कर आलू का ब्रेड तू भी ज्यादा ज्यादा कोई लड़की थप्पड़ मारेगी मुझे दानिया सारे खा सके दानिया कर लोगी दानिया खा वीडियो तो लेंगे वरना फिर आप वीडियो बनेगा आप अपना ना स्कार्फ लगा लो हां स्कार्फ लगा दो यार सारा खा के उधर भी दे दो थोड़ा ये मैंने एक बाइट भी नहीं लिया जल्दी सारा पकड़ सारा थोड़ी खत्म कर सिर्फ आवाज आनी चाहिए नकाब कर ले नहीं पागल हो क्या मैं क्यों मारूंगी हां ज्यादा तेज है ज्यादा तेज है आवाज आनी चाहिए मारो ये भी खाएगी बाद में हां रखना क्योंकि बाद में बाद में यार
ऑनियर भी होगा ना ये ऑनियर भी होगा थोड़ा आराम रो जाओगी नहीं नहीं मैं क्यों रो जाऊंगी नहीं रोगी ना थोड़ा वीआईपी चल निकल निकल जल्दी कर चलो आठ हो गए ना अच्छा क्या कर रही है यार क्या कर रही है एक से लौट दी मैं ये क्यों मार रहा है दिखा दियो का ये दिखा दियो का मार नहीं रही है बस चल दिस इज नॉट चल यार तू गलत है चल गलत है छोड़ दे जोर से सारी चीजें कर दो तमीज होनी चाहिए बेटा तुम मेरे शो के बात पता नहीं क्या घोड़ा रे घोड़ा जने थप्पड़ उन्होंने पायो आए हाय हाय क्या थप्पड़ पड़ा है भाई क्या थप्पड़ पड़ा है और राबेल राबेल तो डेयरी भूल गई लड़ने पर लग गई और इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली क्या बताऊं यार सिंधी में भी नहीं बता सकता मैं तो उफ अल्लाह तौबा 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 ऑनियर भी होगा ना ये ऑनियर भी होगा थोड़ा आराम रो जाओगी नहीं नहीं मैं क्यों रो जाऊंगी नहीं रोगी ना थोड़ा उफ जब दानियों को चमाट पड़ा ऐसा वीआईपी चमाट मारा उसको मैंने बोला वाह भाई वाह इसको तो वीआईपी पड़ गया है और उसके बाद जो फड्डा जो इन लोग ने करना शुरू किया है राबेल ने पराठा वगैरह फेंकना शुरू कर दिए और बस उधम मचा दिया ऑनियर भी होगा ना ये ऑनियर भी होगा थोड़ा आराम रो जाओगी नहीं नहीं मैं क्यों रो जाऊंगी नहीं रोगी ना थोड़ा वीआईपी चल निकल निकल जल्दी कर चलो आठ हो गए ना क्या कर रही है यार क्या कर रही है एक से लौट दी मैं ये क्यों मार रहा है दिखा दियो का मार नहीं रही है चल चल यार तू गलत है छोड़ दे जोर से सारी चीजें बेटा तुम मेरे शो के बात पता नहीं क्या जहां आप ये एपिसोड देख रहे हैं वहां आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस कंटेस्टेंट को आप आगे तक देखना चाहते हैं शो में और किसको समझते हैं कि बेकार है नहीं होना चाहिए पब्लिक जिसके लिए बोलेगी वो कंटेस्टेंट अगर मैंने एलिमिनेट कर भी दिया तो शो में वापस आ जाएगा और पब्लिक जिसको चाहेगी ना रहे वो फाइनल तक भी पहुंच गया तो शायद फाइनल खेल ना सके तो फाइनल तक पहुंचाने के लिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जहां ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना शुरू करें निकल जाओ वो डियर छाड़ के क्यों निकल जाओ तुम कौन होते हो निकालने वाले क्यों बोल रही हो अपना मुंह बंद रखो अबे चुप कर यही लंबा डाल दूंगी दो मिनट में समझ अबे ये मत बोल चल काम इधर ही काट दूंगा काट आ काट